हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक आरसी हेलीकॉप्टर की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मॉडल आर्ट का 3.5 चैनल इंफ्रारेड आरसी हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप इसके बॉक्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 3.5 चैनल होने की वजह से आप इसे फॉरवर्ड बैकवर्ड अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से परचेज किया है। तो ये दोस्तों मैंने अमेजोन से 1200 रुपये में ओनली परचेज किया है, जो कि 1200 रुपये के अंदर में बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है। और यहाँ पर देख सकते हैं 3.5 चैनल इंफ्रारेड आरसी हेलीकॉप्टर। दोस्तों बॉक्स पे कुछ भी खास डिटेल नहीं है, मतलब कि चारों तरफ एक ही चीज़ लिखी हुई है और जो भी चीज़ है मैं आपको अंदर अच्छी तरीके से बता दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स पर भी इसका प्राइस जो है ज़्यादा नहीं दिया गया है, 1700 रुपये ओनली दिया गया है। तो चलिए अभी देरी ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं बॉक्स के अंदर से सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका एक मैनुअल मिलता है, जो कि हमारे रिमोट और हेलीकॉप्टर के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग वगैरह पोर्ट के बारे में और क्या क्या आपको इस बॉक्स के अंदर मिला है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया गया है। बाकी हेलीकॉप्टर को कैसे फ्लाई करना है और रिमोट की कौन सी की क्या क्या काम करती है, इसमें आपको सब अच्छी तरीके से बताया है। तो चलिए फिलहाल इस मैनुअल को अभी हम साइड में रखते हैं, बाकी फ्लाई कैसे करते हैं वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पैकेट हमें छोटा सा मिलता है। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इस पैकेट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है जो कि एक चार्जर है। आपको किसी भी हेलीकॉप्टर के साथ USB चार्जर नहीं मिलता है, केवल केबल ही मिलती है चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये एक अडेप्टर भी मिल जाता है और यहाँ पर केबल अलग से साथ में मिलती है, जो कि एक USB 2 पिन चार्जर है। तो इसे आप सीधा इसमें कनेक्ट करके देखिए इस अडेप्टर में आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है और ये वाली जो पिन है आपको अपने हेलीकॉप्टर में लगा देनी है। उसके बाद इसमें रेड कलर की इंडिकेटर लाइट जलती रहती है, जब वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है तो आपका हेलीकॉप्टर चार्ज हो जाता है। उसके बाद आप इसे हेलीकॉप्टर में से निकाल सकते हैं। बाकी देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा टेल साइड प्रोपलर मिलती है और यहाँ पर मिलता है हमें एक स्क्रू ड्राइवर, जिससे हम अपने हेलीकॉप्टर को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस बॉक्स से मैं अपने हेलीकॉप्टर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हेलीकॉप्टर की पैकिंग बहुत ही अच्छी की गई थी, हेलीकॉप्टर किसी भी तरीके से बॉक्स में डैमेज नहीं होने वाला था, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे पास भी ये डिलीवर हुआ था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो बॉक्स के बाहर आ गया है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से हेलीकॉप्टर को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और ये देखने में बिल्कुल साइमा के S107G जैसा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मॉडल आर्ट की ब्रांडिंग की गई है। बाकी पीछे की साइड में इसमें 3.5 चैनल है हेलीकॉप्टर, तो इस वजह से इसमें एक पीछे की साइड में भी मोटर लगाया हुआ है जो कि हमारे हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करता है। बाकी यहाँ पर है एक चार्जिंग पोर्ट, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमारा चार्जर है। सिंपली एक पिन आपको इसमें लगानी है, तो अब आपको इसे सिंपली चार्जिंग पे लगा देना है और यहाँ पर इस USB चार्जर में आपकी रेड कलर की लाइट जलती है जो कि इंडिकेट करती है कि आपका हेलीकॉप्टर फुल चार्ज हो गया है। उसके बाद आपको चार्जर को इसमें से हटा लेना है और इस साइड में देखेंगे तो ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, इसे जैसे ही ऑन करेंगे तो आपका जो हेलीकॉप्टर है वो ऑन हो जाएगा और हेलीकॉप्टर में सामने की साइड में एक इंडिकेटर लाइट दी गई है जो कि ब्लू और रेड कलर में जलती है। बाकी यहाँ पीछे की साइड में आप देख सकते हैं इसका IR सेंसर लगा हुआ है और ऊपर की साइड में अगर बात करें इसकी प्रॉपलर क्वालिटी की, तो दोस्तों प्रॉपलर क्वालिटी आज तक मैंने सभी को बताया है कि प्रॉपलर क्वालिटी सभी हेलीकॉप्टर्स की अच्छी होती है और प्रॉपलर किसी की नहीं टूटती है। और ये आगे की साइड से प्लास्टिक का बना है और पीछे की साइड से मेटल का बना हुआ है। बाकी दोस्तों देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाकी चलिए अब देख लेते हैं अपने रिमोट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारे हेलीकॉप्टर का रिमोट और इसमें आपको दो जॉयस्टिक मिलती हैं। पहली वाली जॉयस्टिक से आप हेलीकॉप्टर को अप एंड डाउन कर सकते हैं और जो सेकेंड वाली जॉयस्टिक है उससे आप हेलीकॉप्टर को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। बाकी यहाँ बीच में आपको दिखेगा तो ये है ट्रिम बटन। ट्रिम बटन दोस्तों आप रोटेट अगर करता है हेलीकॉप्टर तो उसे बीच में करके आपको देखिए ट्रिम बटन को बीच में करना है और आपका हेलीकॉप्टर स्टेबल हो जाएगा। बीच में है ऑन ऑफ का बटन और इंडिकेटर लाइट और यहाँ पर है चैनल बटन जो कि ABC है। और ऊपर की साइड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये बटन नहीं मिलते हैं और ऊपर की साइड में आपको इंफ्रारेड सेंसर मिलते हैं, ठीक है। और पीछे की साइड में आप डाल सकते हैं इसमें बैटरी। तो चलिए मैं अभी फिलहाल इसमें बैटरी डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप चार्जेबल या नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी डाल सकते हैं, इसके साथ आपको कोई भी नहीं मिलेगी, ये आपको अपने पास से परचेज करके इसमें डालनी होगी। तो फिलहाल मैं नॉन चार्जेबल का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ जो कि एक बार डालने पे कम से कम 6-7 महीने इजीली चल जाती हैं। तो देख सकते हैं बैटरी डल चुकी हैं। तो चलिए एक काम करते हैं अपने रिमोट को ऑन करके देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हेलीकॉप्टर का रिमोट है जो कि अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और इसकी इंडिकेटर लाइट भी जल रही है। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आपको हेलीकॉप्टर को रिमोट से ही चार्ज करना है तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी एक चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप कहीं ग्राउंड में होते हैं और चार्जिंग के लिए आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है तो आप अपने रिमोट से भी हेलीकॉप्टर को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अभी इसमें ग्रीन और रेड कलर की लाइट जल रही है। जब ये स्टेबल हो जाएगी रेड कलर में तो इसका मतलब होगा कि आपका हेलीकॉप्टर चार्ज हो गया है। उसके बाद आपको इस चार्जर को अपने हेलीकॉप्टर में से निकाल लेना है। तो देख सकते हैं मैंने इसमें से निकाल दिया है क्योंकि मेरा अभी जो हेलीकॉप्टर है वो चार्ज है। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं और इसके बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने हेलीकॉप्टर को ही ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंपली आपको इसे ऑन कर लेना है। तो देख सकते हैं हेलीकॉप्टर ऑन हो चुका है और उसकी इंडिकेटर लाइट भी जल चुकी है। अब रिमोट को भी ऑन करते हैं और एक बार फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को अप एंड डाउन करते हैं और उसके बाद आपका रिमोट जो है वो हेलीकॉप्टर से कनेक्ट हो जाएगा। आप जैसे ही फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर करेंगे आपका हेलीकॉप्टर फ्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हम ग्राउंड में आ चुके हैं और हमने अपने हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ कर लिया है। बाकी दोस्तों टेक ऑफ का बटन तो आपको नहीं मिलता है लेकिन जॉयस्टिक से जब आप इसे ऊपर उठाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली तरीके से ये ऊपर की साइड में फ्लाई करेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इंफ्रारेड में मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट आरसी हेलीकॉप्टर लगा है। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ IMS-107G की तो उसको भी इसने पीछे कर दिया है इसकी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी रिमोट कंट्रोल रेंज की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये एक इंफ्रारेड आरसी हेलीकॉप्टर है जिसकी वजह से इसकी रेंज तो आपको ज़्यादा नहीं मिलती है, लगभग 25 से 30 फीट की ही इसकी रेंज आपको मिलती है। और अगर आप इंडोर में फ्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राउंड में थोड़ी बहुत हवा होती है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे इंडोर में फ्लाई करेंगे तो भाई क्या ही ये फ्लाई करता है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो IMS-107 से तो थोड़ा सा आगे है ये आरसी हेलीकॉप्टर और काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लाई भी कर लेता है जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा। और लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड तो होता ही है क्योंकि 3.5 चैनल है तो भाई लेफ्ट राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें बैटरी तो आपको मेंशन नहीं की गई है कि इसमें कितनी बैटरी लगी है, लेकिन आपको 9 से 10 मिनट का फ्लाई टाइम इजीली मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है फ्लाई टाइम है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आपको इसे फ्लाई करने में आ जाएगा। तो और जल्दी भी चार्ज हो जाता है दोस्तों, ये ओनली 10 से 15 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाता है जो कि काफ़ी अच्छा इसका चार्जिंग टाइम है और फ्लाई टाइम भी इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो यही वो बात है जिसकी वजह से मुझे ये आरसी हेलीकॉप्टर IMS-107 से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि दोस्तों IMS-107G आपको 7 से 8 मिनट का फ्लाई टाइम देता है और उसके बाद वो चार्ज होने में भी कम से कम 20 से 25 मिनट ले लेता है, जबकि ये आपका 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है और उसके बाद आपको 9 से 10 मिनट का फ्लाई टाइम इजीली दे देता है। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं पूरी वीडियो देखने के बाद, अभी आप पूरी वीडियो को पहले देख लीजिए उसके बाद ही इसे परचेज़ करने की सोचना। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी हमें कुछ चीज़ें पता नहीं चलती जिसकी वजह से हम परचेज़ कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि यार पूरी वीडियो देख लेते तो अच्छा होता। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको परचेज़ कैसे करना है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और लिंक को फॉलो करके आप सीधा फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों पूरी वीडियो को देख लीजिए।